तो वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में आईफोन के सारे लेटेस्ट इमोजीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे भी कर पाएंगे, जो कि आपके स्टोरीज को नेक्स्ट लेवल बना देगा? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में आईफोन के सारे लेटेस्ट इमोजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, और फिर आपको स्टोरी वाले सेक्शन में दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन में भी करेंटली कौन सा इमोजीज है। यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, और अब नीचे मेरा कीबोर्ड आ चुका है, तो मैं जल्दी से आपको इमोजीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इमोजीज वाले ऑप्शन पर टैप कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में अभी गूगल के ही सारे इमोजीज हैं, जो कि आजकल सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में बाई डिफ़ॉल्ट आता है। पर मैं इन्हीं इमोजीज को आईफोन के इमोजीज में चेंज करके दिखाने वाला हूँ, वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। अब सबसे पहले तो आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, और फिर यहाँ पर स्वाइप अप करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपके फ़ोन के सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और फिर आपको एक ऐप दिखेगा जिसका नाम है थीम्स। ये ऐप आपको सारे रेडमी, पोको और सोमी के डिवाइसेज में बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, तो इसे आपको कहीं से भी डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपको सिंपली से इस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होने बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर की साइड आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि थीम्स, वॉलपेपर्स और रिंगटोन्स। यहाँ पर आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, जिसे कि आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हो, पर आज की वीडियो का वो टॉपिक नहीं है, तो आपको ऊपर स्वाइप करना है। अब आपके सामने फंड्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर सिंपली से क्लिक करना है, और फिर आपको ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एप्पल इमोजी स्टाइल, स्पेलिंग ध्यान से देख लो, आपको सेम टू सेम यही सर्च करना है, वरना आप आईफोन के इमोजीज का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सर्च करने बाद आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने इस थीम का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको जाना है नीचे, और फिर आपको ग्रीन कलर का एक अप्लाई का बटन दिखेगा, आपको सिंपली से इस अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको इस थीम को अप्लाई करने के लिए अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसे जल्दी से अनलॉक कर लेता हूँ। पिन काफ़ी ईजी है मेरे फ़ोन का, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही एंटर कर रहा हूँ। अब मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, तो मैं वापस से जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम में, और फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन में आईफोन के सारे इमोजीज आए हैं या नहीं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे फ़ोन में आईफोन के सारे लेटेस्ट इमोजीज आ चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल, स्टाइलिश और ऑसम है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि इनका इस्तेमाल आप अपने स्टोरेज में नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल मैं अपने स्टोरेज में भी कर पा रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में आईफोन के सारे लेटेस्ट कूल और स्टाइलिश इमोजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो, तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, बस इतना ही था आज वाले वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।